कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है यह साबित हो गया है। साथ ही कहा कि महागठबंधन की सरकार हर वादा पूरा करेगी। राजेश ठाकुर से बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। गठबंधन की जीत और कांग्रेस के परफॉर्मेंस को रिपीट करने के पीछे के एक हीरो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे उनसे ही जानेंगे कि कांग्रेस को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उसके बावजूद वो कितने कॉन्फिडेंट थे और जिस जगह पर कांग्रेस को छोड़ा था वहां से कितने आश्वस्त थे कि कांग्रेस यहां तक पहुंचेगी। राजेश जी, इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को लोग कहते थे, जो समझ नहीं पा रहे थे, कि कांग्रेस कमजोर कड़ी बनेगी। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर के और इंडिया गठबंधन से ताल में ताल मिलाकर चलने का काम किया। जो सरकारी योजनाओं थी उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया। जो 7 गारंटी हमने दिया था उससे सब लोगों को रूबरू कराया। आपने देखा किस तरह से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, CPI माले के साथी ने और राजद के साथियों ने मिल करके 7 गारंटी देने का काम किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कई सभाएं की, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, इमरान प्रताप गढ़ी जी ने की, सचिन पायलट जी ने की, सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाने का काम किया और आपने देखा कि किस तरह का रिजल्ट सामने आया। हमारे लीडर आदरणीय जो हमारे प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, पूरे इलेक्शन के दौरान यहाँ डटे रहे। आदरणीय तारिक अनवर जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री है बट्टी मल्लू जी, उन्होंने पूरा समय देने का काम किया। साथ ही साथ हमारे जो दोनों सह प्रभारी थे सप्तागिरी उल्का जी और श्री बेला प्रसाद जी, और जो आदरणीय हमारे पूर्व प्रभारी थे BK हरिप्रसाद जी, जो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, LOP रहे वैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने, सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ काम करने का काम किया और आपने देखा किस तरह का रिजल्ट सामने आया। चूंकि एक संगठन में तालमेल की आवश्यकता होती है और उस तालमेल को, समन्वय को बनाने में, किसी की नाराजगी है उसको दूर करने में हम लोग पूरी तरह से सफल रहे। क्योंकि आपने संगठन की बात की, जिस जगह आपने संगठन को हैंडओवर किया केशव महतो कमलेश को, वहां से लेकर अब तक इस परिणाम से आप कितने संतुष्ट? देखिए, संगठन में जब मैं अध्यक्ष था तो 8.5 लाख लोगों को सदस्य बनाया था, लगभग 49,000 लोग पदाधिकारी बनाए गए थे, जो पंचायत स्तर पर, जो बूथ स्तर पर कमेटियां बनी थी, कहीं ना कहीं उसका भी लाभ हमें मिलता दिखाई दिया है। जो उम्मीदवारों का चयन किया गया, निश्चित रूप से उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार थे, और जो सबसे बड़ी बात है कि हमने लड़ाई एकजुट होकर के लड़ने का काम किया। कभी किसी का कोई शिकवा गिला नहीं रहा, या तो मैं पूर्व ही रहा तो वर्तमान की तरह, अध्यक्ष की तरह काम करते रहा, वर्तमान अध्यक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। कहीं ये नहीं डिफरेंस आया कि ये उसका है ये उसका है, सब सबका है, कांग्रेस पार्टी का है, और इस नीति के साथ हम लोग चले और उसका परिणाम आज आप सबों के सामने सुखद है। हम ये कह सकते हैं कि 56 इंच का जो सीना का दावा करते थे उसको 56 विधायक दे करके हमने सीना पे चढ़ के काम करने का काम किया है। बड़ी जीत, सामने चुनौती भी बड़ी होगी, 7 गारंटी पूरा करेंगे? निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने कहा था पिछले चुनाव में कि 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे तो हमने किया। 200 यूनिट बिजली फ्री हमने किया, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम किया, हमने सर्वजन पेंशन के माध्यम से बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया, वहीं महिला सम्मान योजना के तहत महिला बहनों को भी सम्मान देने का काम किया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं हमने। और भारतीय जनता पार्टी बार बार रोकती रही, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने में भी, जो हम लोग चाहते थे कि रोजगार दें, उसको एन केन प्रकारेन उसको रोकने का काम करती थी। उसका भी मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। जनता ने हम पे भरोसा जताया, युवाओं ने, छात्रों ने भरोसा जताया है, तो युवाओं को नौकरी रोजगार देना वो हमारा दायित्व है। हमने ये कोशिश किया कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें भी 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को, मूलवासियों को दिया जा सके, और हमने देने का भी काम किया। तो हम समझते हैं जो हम कहते हैं वो करते हैं। चुना राजेश ठाकुर को, साफ साफ इन्होंने कहा कि वैसे लोग जो मुकालते में थे कि कांग्रेस कमजोर कड़ी होगी, उन्हें ये पता नहीं था
कि इतनी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ प्रदेश कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। रही वो बड़ी वजह रही कि कांग्रेस ने प्रदर्शन भी रिपीट किया और गठबंधन ने प्रचंड बहुमत भी हासिल किया। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। खंड विधानसभा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।